गाइस सुबह के है अभी 8 बज चुका है और आज जो है 30th of May यानी कि 30वां दिन ऑल इंडिया सोलो राइड की। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग। दिस इज संगीत हियर एंड यू आर वाचिंग इंडियन गोरखा ब्लॉग्स। तो सुबह हम लोग कहाँ आ पहुँच गए हैं आप देख लीजिए एक बार। मैं अभी हूँ आगरा में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मैं अभी फ़िलहाल में कहाँ हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं अभी हूँ ताजमहल, जो कि लास्ट डे के ब्लॉग में आपने देखे कि जिस तरीके से मेरा दिन गया ना, वो दिन एकदम अभी तक का सबसे बुरा दिन रहा था। लेकिन आज जो है सुबह हम निकले हैं ताजमहल के लिए और ताजमहल आ चुके हैं। जितना भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा करने के बाद में ताजमहल आ चुके हैं। कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ मैं सब आप लोग को बताऊँगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ का ताजमहल का व्यू। तो गाइस मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं आप, ये अकबर महल है जो कि रेड। तो गाइस मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप ये अकबर महल, ये जो रेड रेड मार्बल से बनी हुई है। ये ताजमहल नहीं है, इसके पीछे वाली है जो है ताजमहल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, आप लोग को मैं दिखाता हूँ अभी ताजमहल, ठीक है। अकबर महल देख लिए, अभी ताजमहल दिखाता हूँ। तो इन द काउंट ऑफ 3 यू कैन सी ताजमहल। सो 1, 2 एंड 3, यस दिस इज द ताजमहल। गाइस अभी वर्ल्ड हेरिटेज ताजमहल में हम लोग आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा वाइट मार्बल से बनाया हुआ, जो कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था ताजमहल, ठीक है। तो आर्किटेक्चर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज में इसीलिए आता है आर्किटेक्चर को लेके, साथ साथ में जो कारीगरी है ना वाइट मार्बल में, तो काफ़ी बढ़िया है। तो हम ऊपर भी जाएंगे क्योंकि हमने पास ले लिया है। तो यहाँ का जो है टिकट लेने के लिए तरीका जो है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और साथ में जो है आप दो तरीके की टिकट ले सकते हैं, एक जो कि इधर उधर घूमने के लिए और दूसरी जो है ये वाली, और साथ में आप वो जो ताजमहल है उसके ऊपर जाके घूमने के लिए, ठीक है। तो पहले वाले की यानी कि सिर्फ नीचे घूमने के लिए ₹50 लगेगा सिर्फ अगर इंडियन हो तो, ठीक है। और जो है फॉरेनर के लिए ज़्यादा कॉस्ट करेगी, और उसके साथ में जो अगर आप ये ताजमहल में घूमने के लिए ₹250 लगेगा, ठीक है। तो दोनों वे से आप बुक कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आप यहीं पे आना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आप खुद भी कर सकते हो। ए व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, इट्स टू हॉट राइट इन द मॉर्निंग। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा ताजमहल का कुछ नज़ारे। गाइस एक मज़े की बात बताता हूँ, हम लोग तो गर्मी में तप रहे हैं, लेकिन ये लोग का एक बढ़िया सा है यार, देखो पूरा एकदम गया। अरे बाप मजा आ गया, पूरा एकदम स्विमिंग कर रहा है यार। मजा आ गया, देखो। ये गया भाई मार छलांग, कम ऑन। हाँ ब्रो तू ही है सब कुछ, ये देखे भाई टैलेंट दिखाओ, और उसके बाद ओलंपिक भाई, क्यों तैरना सिखा रहा है वो भाई, ट्राई इंडिया को रिप्रेजेंट करो। ये गया, कमाल का है यार सीन, मजा आ गया यार। लेकिन यहाँ पे ना ताजमहल से ज्यादा ये बंदरों को देख के आपको मजा आ रहा है। ये लोग इंजॉय कर रहे हैं हमसे तो ज्यादा, गाइस ताजमहल में आके ना ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये लोग का लाइफ सही है यार।
चाहिए। उधर पे लिखा हुआ था बंदरों से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर बंदरों से हम लोग को इंजॉयमेंट मिल रहा है। देखो ये दूसरी पार्क में नहीं मिलेगी आपको, ये यहीं पर ताजमहल में आके देखना पड़ेगा ये सब नज़ारे। सॉरी, ये देखो अभी, ये जाओ जंप करो जंप करो, 1 2 3। अरे गया नहीं वो यार, जाओ जाओ। तो गाइस अभी क्या करते हैं ना, अभी हम लोग जाएंगे वाइट मार्बल की तरफ, यानी कि ताजमहल की तरफ। वहाँ जाते और जो है थोड़ा कवर शूज़ कवर पहनना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं पहन वो कर सकते, चप्पल वगैरह लगा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ताजमहल काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया। सो गाइस अभी हम एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं ताजमहल, जो कि वाइट मार्बल से बनी हुई है। और ये देखिए पूरा मैन मकबरे के अंदर, ये रहा मैन मकबरा, ये देख रहे हैं पूरा वाइट मार्बल है गाइस। और इसी के लिए 200 रुपये दिए थे हम, इसी के लिए। और यहाँ से देखिए गाइस यहाँ का व्यूज, जो कि ताजमहल से नीचे का व्यूज काफी बढ़िया है। देखिए तो गाइस अभी मेन डोर से हम लोग जाते हैं अंदर। ठीक है, ये देखो क्या कारीगरी है। ये देखिए इट्स स्मेलिंग डिफरेंट टाइप ना। ये देखो ताजमहल के अंदर में अभी हम अंदर जा रहे हैं, पूरा ताजमहल के अंदर अंदर। ठीक है, तो गाइस ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया जो है शाहजहां एंड मुमताज के मकबरा, यहाँ पे उनका जो डेड बॉडीज नीचे, एक्चुअली ये ऊपर तो बनाया गया है सिंबॉलिक। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो बॉडी जो है ना नीचे, इसके नीचे जो है और एक फ्लोर है वहाँ पे दफनाया गया है। ठीक, इसको मकबरा बोलते हैं और यहाँ के कारीगरी के लिए काफ़ी फेमस है यार। Ringing wall, it works as a stress buster. What is it? Stress buster. तो गाइस 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में हम ताजमहल घूम चुके हैं और अंदर जाके भी मकबरा जो शाहजहां और मुमताज के मकबरा भी देख लिए और उसके बाद में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में। और यहाँ पे वैसे है कुछ नहीं, ठीक है, शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के जो 1631 में उसका डेथ हुआ तब उसने उसके याद में ये ताजमहल बनाया, जो कि 22 ईयर्स लगा इसको, लगभग 22,000
या क्या लेवर लगा के ये जो बना, और उसके बाद में फिर लगभग 1631 में ये स्टार्ट हुआ, 22 साल बाद लगभग 1653 ऐसे करीबन ये उसके बाद में कंप्लीट हुआ। और उसी के बीच लाल किला भी बनाना हुआ, क्योंकि जब मुमताज़ का डेथ हुआ उसके बाद में शाहजहाँ ने सोचा कि अपना जो है राज्य का राजधानी वो है दिल्ली शिफ्ट किया, तो 1638 में फिर लाल किला बनाया गया। सेम जो कारीगर थे यानी कि सेम आर। तो गाइस 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड जो कि ताजमहल घूमना हो चुका है, अभी यहाँ से निकलते हैं होटल की तरफ, और ये वाला वीडियो जो है ना यहीं पे इन करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वाला वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। सो यहाँ पे देखिए मेरे पीछे ठीक है ताजमहल, तो ये वाला वीडियो यहीं पे इन करते। सो गाइस थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय गोरखा।